लेडीज़ बुरके उठा के जा रही, नौजवान बच्चों के नियतें ख़राब हो रही, औरतों के ऊपर बहुत भी बहुत परेशानी चल रही भाई। कारोबार कैसा करेंगे बोलिए, पंचर बनाना पड़ता मेरे को यहाँ पर बैठ के, पंचर कैसा बनाओ मैं गंदगी में ये बैठ के, बहुत भी बहुत तकलीफ़ हो रही, जाने परेशानी हो रही, और छोटे छोटे बच्चे स्कूल को जाते, गाड़ियाँ वाले बुर बुर जा रही, पानी उछल रहा है, एक दूसरे को गाली गलौज हो रही, लड़ाई बहुत हो जा रही है यहाँ पर। ज़रा देखिए कैसा भी करके जल्द से जल्द काम कराइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन नगर म्यूनसिपल जलपल्ली एरिया, हाँ म्यूनसिपल एरिया में जलपल्ली, ये शाहीन नगर उस्मानिया होटल की गली में है। ये VIP स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ पर, ओएस इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ पर। ये गली में हमेशा पानी बहते रहता, पूरा गंदा पानी, डेनिश का पानी, पूरा गंदा पानी बहते रहता। यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दे रही, और कितने के लीडर आए हैं यहाँ पर, लीडर आए भी कोई तवज्जो नहीं दे रही। नमाज को जाने तकलीफ़ हो रही, नमाज पढ़ने तकलीफ़ हो रही, हर चीज़ की तकलीफ़ है यहाँ पर। गंदगी है, पूरा ड्रेनेज का पानी है, गंदगी है, कचरा है, हर चीज़ यहाँ रोड पे डाल रहे। यहाँ पर कई सालों से बह रहा, 10-15 साल 20 साल हो गया, कोई लीडर कोई कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, खाली देख रहे हैं, अनजान मार दे रहे हैं हर जने। दुकानों को बहुत परेशानी हो रही, जो भी जितने भी दुकाना है हर जनों को परेशानी हो रही, तकलीफ़ हो रही, नमाज भी नहीं पढ़ सक रही, गंदगी फैली हुई यहाँ पर। साहब ये VIP इंटरनेशनल स्कूल के पास रोज़ाना जो है ना ड्रेनेज का पानी बह रहा, काफ़ी महीनों से तकलीफ़ है, और स्कूल के बच्चे आते जाते हैं यहाँ से, काफ़ी ट्रैफिक है, रोज़ाना ये बहने से दुकानदारों को बड़ी तकलीफ़ है। यहाँ पर पानी ड्रेनेज का बह रहा, इसकी वजह से इसके ज़िम्मेदार जो भी है, मेहरबानी गुजारिश के आपसे जल्द से जल्द ये पानी बहने का जो काम है करवाइए, इसको रुकवा के जो है ना रोड को ज़रा सही करिए। गड़े होने की वजह से पूरे आने जाने वालों पे छींटे उछल रहे हैं पानी के, नमाज़ों को जाने वालों को तकलीफ़ हो रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बात करो नियर ओएस स्कूल से, ये करीब 8-10 दिन से ये मोहरी का पानी बह रहा है इधर से, मेरा टिफ़िन सेंटर है, लोग आना जाए, ये टिफ़िन सेंटर है, पूरा यहाँ से पूरा गंदा मोहरियों का पानी, और करीब 10 दिन हो गया कोई इसका वो नहीं है, आने वाले फुर्सानियाल नहीं है कोई, बस छोड़ दिए, ज़िम्मेदार कौन है इसके, तो 8-10 दिन से भरा पानी है, ड्रेनेज का पानी है ये अंदर गली में से। भाई कुछ दिन से बहुत परेशानी हो रही पानी की, ड्रेनेज लाइन हो रही, और लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, पानी एक के ऊपर एक उछाल ले रहे हैं गाड़ियाँ वाले, आने वाले जाने वालों को, और कई साल से पानी भरा है, बल्दिया वाले कुछ कर रहे नहीं। जलपल्ली में भी कंप्लेंट बहुत बार दिए जाके, मगर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा उसका, बहुत दिन से बहुत भी बहुत परेशानी हो रही, और नमाज को जाने आने परेशानी, मेरा कारोबार ख़राब हो रहा, आने वाले जाने वालों को बहुत तकलीफ़ हो रही, लेडीज़ बुरके उठा के जा रही, नौजवान बच्चों के नियतें ख़राब हो रही, औरतों के ऊपर बहुत भी बहुत परेशानी चल रही भाई। कारोबार कैसा करेंगे बोलिए, पंचर बनाना पड़ता मेरे को यहाँ पर बैठ के, पंचर कैसा बनाओ मैं गंदगी में ये बैठ के, बहुत भी बहुत तकलीफ़ हो रही, जाने परेशानी हो रही, और छोटे छोटे बच्चे स्कूल को जाते, गाड़ियाँ वाले बुर बुर जा रही, पानी उछल रहा है, एक दूसरे को गाली गलौज हो रही, लड़ाई बहुत हो जा रही है यहाँ पर। ज़रा देखिए कैसा भी करके जल्द से जल्द काम कराइए। मैं जैसे इधर उस्मानिया होटल के पास से अगर तक किसी को पैदल आना रहा तो वहाँ से जो है ना पूरे मुँह के गंदे पानियों में से गुजरना पड़ा, हर दो दिन को पूरा जैसा गंदा पानी बहते रहता। उसके आगे निकलने के बाद एक नई मुसीबत एक और एक निकल गई कि ये लिमरा मस्जिद के बाद एक ड्रेनेज जैसे भर के उबल रहा, मगर किसी की तवज्जो नहीं है। वहाँ से पानी उबल लेते हुए तमाम जैसे टिफिन सेंटर है टर्निंग में, वहाँ पर गंदगी भर रही, वो होते हुए जैसे पूरा वहाँ से वहाँ तक चले आ रहा, किसी की तवज्जो नहीं है। लीडर देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, मगर कोई जैसे एक्शन ले रहा नहीं। आखिर हम किसको सुनाना हमारी तकलीफ, सब देख रहे हैं, नज़रअंदाज हो रहे हैं, पूरा आज रुकेंगा कल रुकेंगे, वो ना तो ड्रेनेज का पानी जो पहले वो मुसीबत थी उस्मानिया होटल के सामने की, उसके बाद एक नई मुसीबत ये खड़ी हो गई कि लिमरा मस्जिद के पास जैसे ड्रेनेज जो है भर के उबल रही, वो उबल लेते हुए जहाँ वो टिफिन सेंटर है वहाँ से होते हुए पूरे दुकानों के पास से होते VIP तक चले जा रहा, मगर कोई तवज्जो नहीं जा रही। आखिर हम किसको सुनाना था, ये देखिए यहाँ पर पूरा गंदगी, देखिए पूरा गंदगी, पूरा गंदा पानी वहाँ से ड्रेनेज उबल लेते हुए यहाँ तक आ रहा। हमारी ये गुजारिश है कि भाई इस पर तवज्जो दो,
वही बोल रहा ना भाई, इनको बोले तो उन्होंने नजरअंदाज कर रहे, उनको बोले तो नजरअंदाज कर रहे, आखिर आखिर नजर रहे।